हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जेके गुरुजी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेस्ट सीरीज़ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @itsjkguru, एक बार फिर से @itsjkguru, जिस पे आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको 3 सेकेंड मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान जो है वो भी राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के अंदर जो है अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है। पहले राज्यों की संख्या 29 थी, अब जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है हटा दिया गया है। वहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी को जो है वो भी गंगा है। गंगा के किनारे पर हरिद्वार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये महानदी पर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में जो है पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम महिला IPS महिला कौन थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला IPS थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और साथ में हमें बताना कि आपका कितना स्कोर रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली राज्यपाल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है इनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। आपको कमेंट में बताना है कि राकेश शर्मा का पूरा नाम क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोहिनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1913 के अंदर जो है राजा हरिश्चंद्र जो है फिल्म बनी थी और ये मोनी सिनेमा के अंदर जो है रिलीज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आपको 3 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @itsjkguru। थैंक यू फॉर वॉचिंग।